सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है यूएसए के स्टडी वीज़ा के ऊपर। क्या अभी का क्या सक्सेस रेट है और जो नेक्स्ट इनटेक आने वाले हैं तो उसमें इंटरव्यूज़ की डेट्स मिलेंगी और नहीं मिलेंगी, और कैसे हम अप्लाई करते हैं यूएसए का स्टडी वीज़ा, तो कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, ये सभी बातों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि यूएसए स्टडी वीज़ा सिंपल है बहुत ज़्यादा, एंड इसका वीज़ा लेना भी सिंपल है और वीज़ा नहीं भी मिलता, टफ भी उतना ही है जितना ये सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। जेकर आपने आल्स की हुई है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वेल एंड गुड, चाहे आपके 5 बैंड हो, 5.5 बैंड हो या 6 बैंड हो, इसके ऊपर हो, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है। जेकर आपने बैचलर की हुई है, बैचलर में आपके 50% से अबव हैं, 60 से अबव हैं, तो भी अच्छी है, ठीक है, आपको कोई ना कोई कोर्सेज मिल जाएंगे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरव्यू के बेस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50% मार्क्स के ऊपर I-20s दे देती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आल्स भी I-20 दे देती हैं। I-20 एक ऑफर लेटर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपॉइंटमेंट ले सकें और USA की इंटरव्यू दे सकें अपने स्टडी वीज़ा के लिए, ठीक है। तो अभी जो विद आयल्स वाले हैं तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के आ जाते हैं, जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट होगी, उनके ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वो वाली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जिनके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो गई कि इंटरव्यू के स्लॉट, जब हम अपॉइंटमेंट ले, जब हम I-20 ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा मेन काम होता है अपॉइंटमेंट लेने का। तो I-20 आ जाती है तकरीबन 20 से 25 दिन या 30 दिन या मैक्सिमम 2 महीने, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। तो मेन बात आती है इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कि अभी तो स्प्रिंग जो था जनवरी से लेके मार्च तक वो फ्रेश बच्चे को नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके बच्चों की ऑलरेडी I-20 आई हुई हैं तो वो डेफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको मार्च मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे फ्रेश हैं, जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको तो फॉल मिलेगा या समर मिलेगा, ये इनटेक्स रहेंगे। तो मोस्टली आप यही सोच के चल सकते हो कि आपको फॉल इनटेक ही मिलेगा। फॉल इनटेक के अंदर आप 2 I-20s लेते हो या 3 I-20s लेते हो तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। तो इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जेन में बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जेन में चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि एम्बेसी ने ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर बोला है कि वो अपॉइंटमेंट्स नहीं देंगे। तो फिर भी ये हमारे हाथ नहीं है, ये सारा एम्बेसी के हाथ में है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं जो एम्बेसी बोलती है। तो एम्बेसी के ये बोलेगी कि हमारे पास अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो अपॉइंटमेंट्स रिलीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसका कोई डे नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है फिक्स कि इस टाइम अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, बस यही होता है कि हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो उसके बाद जो पॉइंट्स आता है कि हमें जो अपॉइंटमेंट्स मिलेगी वो हो सकती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वाले अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, कि या फेब की भी हो सकती हैं, चांसेस हैं फेब के अंदर, जो रिफ्यूज़ल एंड फ्रेश बच्चों को फिर भी मिल जाती हैं अपॉइंटमेंट्स, जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन आज के टाइम ये भी मुश्किल हुआ पड़ा हुआ है। तो इसके बाद आती है बात कि हमारा कितना खर्चा हो जाता है USA स्टडी वीज़ा करने के लिए। तो मैक्सिमम आप लेके चल सकते हो कि 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख से लेके 2 लाख तक आपका खर्चा आएगा। तो कई बच्चों के तो पास, जिनके पास फंड्स हैं, ठीक है, और वो फाइलिंग करवा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से या फिर आप किसी एजेंट से करवा रहे हो, तो वो अपने चार्जेस लेंगे जो भी फाइलिंग करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो आपके खर्चे आएंगे, I-20s के खर्चे आएंगे, एम्बेसी की फ़ीस जाएगी, सर्विस फ़ीस जाएगी, ये आपके खर्चे आएंगे, इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं आएंगे। जेकर आपके पास फंड्स हैं तो आपका 1 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा सारा। जेकर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो कोई भी आप अपने रिश्तेदार से दिखाओ या, ठीक है, या कोई और थर्ड पार्टी फाइनेंस किसी के थ्रू भी आप दिखा रहे हो, तो वो अपने चार्जेस जो करते हैं वो होंगे।
ठीक है, तो वो आपके मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकते हैं। तो मेन चीज आती है इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि यूएसए इंटरव्यू ही देखता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, क्या आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से I-20 आई है, आपका क्या कोर्स है, आपके पास कितने फंड्स हैं, आप क्या क्वालिफाई कर रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर अभी आपका कोई बिजनेस है, जो भी है आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड, वो आपसे तकरीबन 2 से 5 मिनट इंटरव्यू करेगा और उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, लाइक आपने क्यों जाना है यूएसए, कौन से आपके आइडियाज़ हैं या फिर क्या आपके प्लान्स हैं जब आप यूएसए जा रहे हो, तो ये जो आप स्टडी ले रहे हो क्यों बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है, तो डिफरेंट ये क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके बिहाफ के ऊपर वो विदिन 2 or 5 मिनट्स आपको वीज़ा दे देता है, आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है, उसका कोई इशू नहीं होता है। और जेकर उसने आपको वीज़ा नहीं देना है तो वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको बोल देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, और आपको आपका ही पासपोर्ट वापस करके भेज देगा। जेकर उसने वीज़ा देना है तो आपका पासपोर्ट रख लेगा। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।